और रिसेशन तो यार चला हुआ है, तो देख लेना जो भी स्किल काम हो ना, स्किल वर्क को सीख के आना बढ़िया तरीके। ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया, इसका रीजन ये है कि वेलकम टू अनदर ब्लॉग, आई एम विशाल यादव। और आज के इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं भाई जॉब्स इन कनाडा, कनाडा में जॉब्स का क्या सिनेरियो है। जैसा कि आप सबको पता ही है, रिसेशन चल रखा है तो जॉब्स मिल नहीं रही, बाकी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है जॉब्स के लिए। सो आज का पूरा ब्लॉग इसी चीज़ पर जाएगा कि जॉब्स कैसे फाइंड आउट करो, क्या कुछ करना है, क्योंकि इसका रीज़न मैं अभी देता हूँ। क्योंकि भाई आज मैं खुद जॉब के लिए आ रखा हूँ, रेज्यूमे बांटूंगा भाई यहाँ पे, देखते हैं कहाँ जॉब मिलती है, नहीं मिलती, क्या कुछ सिनेरियो बनता है। अभी मेरे पास 20-25 रेज्यूमे हैं और ये सारे बांट के जाऊँगा आज, जॉब्स चाहिए भाई। बाकी देखते हैं जो भी प्रोसेस होगी, जो भी अपना एक्सपीरियंस होगा शेयर करेंगे इस व्लॉग में। सो लास्ट तक ज़रूर देखना व्लॉग को, चलते हैं अभी। यहाँ पे यही सीन है भाई सबका, कूल बंदे मिल गए हमें तो। यहाँ पे बनते कूल हैं पर फूल हैं ये ड्रगी है, एक नंबर है, मस्त नशे करके घूमते फिरते हैं, ना पैसों की टेंशन भाई। जैसा बताया था ना यहाँ पे क्या हालत है, ये हालत है, ज़्यादा सूट भी नहीं कर सकते हम ऐसे, पर ना लेने के देने पड़ जाएंगे यहाँ तो भाई ऐसा ही है यहाँ पे, नशे वशे का खूब माल फूक के बन रहते हैं यहाँ पे। बाकी ज़्यादातर जो नेटिव है या किसी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर रहा मैं इस चीज़ को लेके, ठीक है, पर जो नेटिव होते हैं वो खूब माल फूकते हैं। ये तब से मेरे को गलत रास्ता बताया जा रहा है ये। तो भाई अभी आ चुके बस में, अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, डाउनटाउन से निकल के। ये है मैकीवन यूनिवर्सिटी, जो भाई बंधु आना चाह रहा है यहाँ पे देख लो, ऐसी कुछ मैकीवन यूनिवर्सिटी है, बढ़िया है वैसे तो, नोरकास्ट भी बढ़िया है, नेट भी बढ़िया है, मैक्यून भी बढ़िया है, पर महंगी है सारी। और यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा तो आर पार है, पर बढ़िया है, एक नंबर वर्थ इट है। पैसे लगा रहे हो तो पूरी कॉलेज लाइफ इंजॉय करोगे बढ़िया तरीके से, मन भी करेगा पढ़ने का, लाइब्रेरी जाओगे जब सही में मजाक नहीं मानता। सो भाई अभी आ चुके किंग्सवे में, यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई। 25 हैं, 25 के 25 बांट के जाऊंगा आज, बता भाई कहाँ से स्टार्ट करें। पहले तो मैं इधर ही खड़ा हूँ, मेरे को बहुत सुंदर मार देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, देख लो फिर तुम बोलोगे कि ये अच्छे इंसान है ये। हाँ भाई भाई पूरे के पूरे मैं नहीं भाई, यही है भाई, पहले स्टोर पर तो दे चुके रिज्यूमे, अब चलते हैं अगले स्टोर में, पहले वॉलमार्ट जाते हैं, रुको। तो अभी चलते हैं भाई वॉलमार्ट में, यहाँ पे भी 3-4 दिन पहले आया था, कह रहे थे कि हायरिंग है, तो जाते हैं, आज आलस ख़त्म हुआ है, आज चलते हैं वॉलमार्ट में। जॉब देखने आए थे, जॉब तो मिली नहीं, खर्चा करने आ गए भाई। इसके प्राइस देखियो कल वाले से मैच करियो, पता ही नहीं, रुको यार इस साइड देखते हैं, ओए इसमें देख तू भाई, नौकरी कहीं मिली ना, खर्चा कराने आ गए आ गए गाइस खर्चा करने, एक दो कॉफ़ी उठाएंगे यहाँ से, कुछ खाने का लेंगे फिर चलेंगे। देख लो भाई नौकरी मिलना रही, ये भाई साहब खर्चा कराए जा रहे हैं। 1 hour later तो भाई 1.5 घंटे किंग्सवे में घूमने के बाद, और भाई 8-10 जगह अपने रेज्यूमे बांटने के बाद आगे बाहर, अब चलते हैं गैस स्टेशन पे, रिज्यूमे बांट के आते हैं, वो भी दिखाएंगे भाई, देखो कहाँ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। बाकी वेदर देखो आज तुम, इस वाले गैस स्टेशन पे और एक बार रिज्यूमे बांट के आते भाई, अगर हायरिंग चल रही होगी तो बोल देंगे ठीक है आ जाना 2-3 दिन बाद, बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पे भी। भाई किस्मत इतनी ख़राब है, एक जगह हाँ की एक बंदे ने कि जॉब पे मैं बुला लूँगा, चाहे कल से बुला लूँगा, पर फुल टाइम चाहिए,
भाई इतनी गंदी किस्मत ना, कह रहा डायरेक्ट पीआर की फाइल भी लगवा दूंगा मैं, पर फुल टाइम बंदा चाहिए मेरे को, पार्ट टाइम के लिए भाई बस क्या ही पूछो, ये हालत ख़राब हो रखी है फिलहाल तो, देखते हैं बाकी करेंगे कुछ ना कुछ तो। हाँ भाई पीछे दिख रही है। ये था इंडियन बार एंड बिस्ट्रो करके था, 118 एवेन्यू, ओके 118 एवेन्यू इंडियन बार एंड बिस्ट्रो कर गया भाई, अगर कोई हो जो फुल टाइम कर सके काम तो आ सकता है। हाँ भाई लुधियाना में आ गए कांग्रेसी स्वर्गीय श्री राहुल गांधी जी। आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होता, सबके हाथ से मोबाइल। परेशान हो गए जल्दे जल्दे, पानी 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 अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। पानी 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 अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो भाई सस्ते एक्टर भाई, उसकी तरह एक्टिंग तो मैं भी नहीं कर सकता भाई, थक गया यार चलते चलते पैर दुखने लग गया अब तो, देख रहे हो स्ट्रगल भाई। सही में भाई रिसेशन तगड़ा आ रखा है, और जहाँ पे जॉब मिल रही है वहाँ पे किस्मत खराब है। सही में वो बंदा कह रहा नेपाली था, वो कह रहा मैं कल से जॉब दे दूंगा, कल से आ जा, लेकिन मेरे को चाहिए फुल टाइम। फुल टाइम है ही नहीं, हम कहाँ से आ जाए फुल टाइम। भाई इस चीज़ का पैसा है, ये है भाई शौक तो। लैक्सस का क्या, सर्वे मारेंगे पिक के देखना तू। हार थक के एक और 7-11 पे आ गए भाई साले, आधा किलोमीटर बोल के 1 किलोमीटर से ज्यादा चलवा दिया इसने। यार मैंने इससे कही थी कि बस का वेट कर ले, कह रहा नहीं तो पास में चल लेंगे। ऐसे बस तो अभी भी नहीं आई यहाँ पे, गाड़ी की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, फिर भी गाने बढ़िया चाहिए, अंदर वाइब आनी चाहिए, बेशक बाहर से कैसे भी दिखे। शॉप्स को पवन की दुकान कह रहा पवन ही लिखा है भाई, पवन की दुकान पे आ गया हम। 12 seconds later जॉब मिली नहीं भाई, दोबारा खर्चा करने आ गए, अभी 5 रह रखे हैं, इनको और निपटाते हैं उसके बाद चलते हैं घर पे। भाई दोपहर 1 बजे से निकले हुए हैं, 6:30 हो गए, और घर से यार 25 रेज्यूमे लेके निकले थे, 5 बज गए अभी, 5 और देख के आना है। अब चलते हैं वापस किंग्सवे मॉल, नॉर्थ गेट मॉल चलने नहीं, अब वापस चल रहे हैं। अरे चलना ट्राई करने में क्या, अब वापस चल रहे हैं अपने घर पे, रास्ते में 5 रेज्यूमे और पकड़ा के जाएंगे, किंग्सवे मॉल के अंदर ही देखते हैं कहीं ना कहीं तो। 20 में से 4-5 जगह ऐसी लगी है जो लगता है कि कर लेंगे हायर है। हम अपने घर को सुबह 25 रेज्यूमे लेके आए थे, अभी 4 बचे हैं, यानी 21 रेज्यूमे दे चुके हैं, दिख रहा है तुम्हें। ये हाल है भाई ड्रगीज का यहाँ पे, ऐसे ही बस मौज काट रहे हैं, ये असली मौज तो इन्हीं की है। यहाँ पे भाई आपको बहुत मिलेंगे ऐसे बंदे, सो इनको डिस्टर्ब नहीं करना, मस्त अपने काम से आए हो, काम से ही जाओ। सो अभी चलते हैं बस घर पे, उसके बाद चल के करते हैं बातचीत। Tomorrow. तो यार इसके बाद मैं घर चला गया था, और परसों हमने रेज्यूमे बांटे थे, फिर कल मैं मूव कर गया नॉर्थ की साइड, और अभी एक चीज़ दिखाता हूँ उनको तुम भाई। ये सामने जो गैस स्टेशन है इस पे आया था कल, जैसे मैं मूव किया तो भाई, जिस भाई के साथ मूव कर रहा था ना, वो कह रहे कि एक बार इस पे ट्राई कर ले, और इन्होंने हाँ भी कर दी, कह रहे हायरिंग चली हुई है, रेज्यूमे ड्रॉप कर दो,
कॉल करते हैं, मतलब ये जो सुपरवाइज़र था, मतलब जिस बंदे से मैं मिला था वो सुपरवाइज़र था, और कह रहा मैं नया हूँ यहाँ पे, तो मैं अपने सीनियर सुपरवाइज़र से बात करता हूँ या मैनेजर से बात करता हूँ। देखो अब क्या होता है, जो मिलती है तो भाई बहुत बढ़िया, घर के बिल्कुल पास में है, 500 मीटर ही है। अब चलते हैं कॉलेज, और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। रुको जरा, सबर करो। तो भाई जितनी सुबह एक्साइटमेंट थी अब वो सारी फीकी पड़ चुकी, क्योंकि अभी मैं कॉलेज से आते टाइम इनसे मिल के आया था दोबारा से, और वो ही किस्मत में एक ही दिक्कत आ रखी है, कह रहे भैया फुल टाइम चाहिए हमें बंदा। अब फुल टाइम तो कहाँ से कर सकते हैं भाई, जब अपने को अलाउड ही पार्ट टाइम है, यानी हफ्ते के 20 घंटे कर सकते हैं सिन पे काम। सो देखते हैं क्या कुछ होता है, आज निकल मिलेगी जॉब। तो एक चीज़ और है यार, जो भी भाई बंधु अगर इंडिया से आ रहा हो या प्लानिंग कर रहा हो, एक चीज़ याद रखना, स्किल वर्क जो भी हो ना, इंडिया में सबके यही होता था कि अच्छा हमारा लड़का ये काम करेगा वो काम करेगा, भाई ऐसा कुछ ना है, यहाँ पे स्किल वर्क की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं तो सीख के नहीं आया, घर वालों ने सीखने ही ना दिया कुछ, लास्ट टाइम पे कह रहे कि चल अब सीख ले, अब जब 15-20 दिन बचे तब कोई काम सीखा जाता है क्या। सो मैं तो यही कहूँगा, चाहे भाई वो प्लम्बिंग का हो, प्लम्बर की भी भाई $22-23 के हिसाब से सैलरी है पर आर, तो देख लेना जो भी स्किल काम हो ना, स्किल वर्क हो, सीख के आना बढ़िया तरीके से, यहाँ पे जॉब मिल जाएगी स्किल वर्कर्स को। बाकी रिसेशन तो यार चला हुआ है, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो रिसेशन अभी भी चला हुआ है, और आगे तो पीक पे आएगा। अभी स्टूडेंट्स के लिए थोड़े टाइम बाद फिर ये PR वाले बंदों के पास भी आएगा, आना सबके पास एक टाइम, तो बाकी ठीक है जो भी है ये टाइम पर चला जाएगा। और अगर व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भाई कर देना लाइक इसको और शेयर कर देना। बाकी इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय। और हाँ, जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ID भी मेंशन है यार, जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वन मोर थिंग यार, ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, इसका रीज़न ये है कि इस व्लॉग के जस्ट बाद मेरे को जॉब मिल गई थी एंड देन मेरे असाइनमेंट्स आ गए थे, तो उस चक्कर में थोड़ा बैलेंस इधर उधर हो गया था। बाकी खुल के बात करेंगे कहाँ जॉब मिली कैसे जॉब मिली अगले व्लॉग में। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय। भाई 1.5 घंटे किंग्सवे में घूमने के बाद आ गए, कितने 8-10 क्या हो गया किस चीज़ में?